फेसबुक काफी विवादों के बाद भारत में अपने काम करने की प्रक्रिया में बदलाव लाने वाला है, जिसके लिए वो देश में नए लोगों की भर्ती शुरू करेगा। पर ऐसा आरबीआई के नियमों के मुताबिक किया जा रहा है, क्योंकि फेसबुक अब ऑनलाइन पेमेंट्स में आने की तैयारी में है और हाल में ही भारत में मोबाइल रिचार्ज शुरू कर दिया है। विश्व की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी Facebook.com डेटा ब्रीच के मामले में फंसने के बाद भारत में अपनी प्रक्रिया का पुनर्निर्माण कर रही है, जिसके चलते वो अपने भारतीय यूनिट में नई भर्ती करेगी। देश में फेसबुक इंडिया का कंट्री हेड नहीं है और कंपनी को 12,500 किलोमीटर दूर मेनलो पार्क कैलिफोर्निया से चलाया जाता है। दूसरी बड़ी कंपनियां जैसे अमेजॉन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तनिष्क आदि को कोई दिक्कत नहीं होती, पर छोटी कंपनियां अपनी दिक्कतों को लेकर कहीं नहीं जा सकती। हालांकि फेसबुक ने साल 2010 में हैदराबाद में ऑनलाइन सर्विसेज के लिए अपना ऑफिस खोला था और अब इसे एशिया पैसिफिक रीजन से अलग किया जा रहा है। इससे भारत सीधा उसके हेड ऑफिस को ही रिपोर्ट करेगा। इसके लिए कंपनी बहुत सारे लोग जैसे एग्जीक्यूटिव, कंप्लायंस मैनेजर, हेड ऑफ एजेंसी, डायरेक्टर की भर्ती करेगा। कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा इस्तेमाल किए गए फेसबुक के करीब 8,70,00,000 यूजर डेटा की वजह से कंपनी के फाउंडर और सीईओ मार्क जकरबर्ग को इस मामले पर सफाई देने के लिए यूएस सीनेट में पेश होना पड़ा था। इसमें भारत के करीब 5,60,000 लोगों का डेटा भी शामिल था, जिसका असर कंपनी के शेयर्स पर भी देखा गया, जो 16% गिर गया। 2004 में शुरू हुई कंपनी फेसबुक की कीमत अब $4,000 करोड़ की हो चुकी है। भारत अमेरिका के बाद फेसबुक का सबसे बड़ा बाजार है। देश में फेसबुक इस्तेमाल करने वाले करीब 25 करोड़ यूजर्स हैं और अगर कंपनी के आय में करीब 93% की बढ़त देखी गई थी। वित्त वर्ष 2015-16 के मुकाबले 16-17 तक 177 करोड़ रुपए से बढ़कर 341 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, यानी प्रति यूजर फेसबुक 14 रुपए से भी कम पाती है। भारत का ऑनलाइन एड बाजार करीब 12,000 करोड़ रुपए का है, जो हर साल बढ़ता जा रहा है। इस बाजार में पैर जमाने के लिए कंपनी को अपने एग्जीक्यूटिव देश में रखने होंगे, क्योंकि आरबीआई के अनुसार सभी ऑनलाइन और पेमेंट्स कंपनियों के एग्जीक्यूटिव और डेटा सेंटर्स देश में होने चाहिए। गो न्यूज के लिए उजैर अली जाफरी की रिपोर्ट।